our next topic is food preservation. So what is food preservation? As its name suggests, food preservation is the process by treating or handling the food to prevent the growth of microorganisms such as bacteria, fungi, etc. तो बोलते हैं प्रिजर्वेशन वो प्रोसेस है जिसमें आप स्पॉयलेज ऑफ फूड को प्रिवेंट करते हो, रोकते हो. तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज बाय विच वी कैन प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और अदर माइक्रोब्स ऑन द फूड. और उन स्टेप्स को, उन वेज को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट मेथड इज द ड्राइंग. आई थिंक ड्राइंग के बारे में आपने आपके फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन में भी पढ़ा था. बोलते हैं ड्राइंग क्या करता है, ड्राइंग रिड्यूसेस द वाटर अमाउंट, वाटर कंटेंट. तो जिससे क्या होगा, जो ग्रोथ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दैट विल बी स्टॉप्ड. और क्या क्या होता है ड्राइंग से, बोलते हैं ड्राइंग रिड्यूसेस द वेट, वेट रिड्यूस होगा तो आपकी जो भी फूड स्टफ है दैट इज इजली ट्रांसफर और इजली पोर्टेबल. ठीक है जी. बोलते इसमें ग्रेन्स आ जाते हैं, आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा आर प्रिजर्व्ड बाय द ड्राइंग प्रोसेस. सेकेंड इज द बाय हीटिंग. आपकी फूड है उसको आप हीटिंग क्या करते हो, अगर आप अपने फूड स्टफ्स को हीट करते हो तो आपकी फूड प्रिजर्व हो जाती है. हाउ, बोलते बाय हीटिंग जो ग्रोथ है माइक्रोब्स की दैट विल बी रिड्यूस्ड और अल्टीमेटली ऑल द माइक्रोब्स आर किल्ड. तो जब माइक्रोब्स खत्म हो गए तो जो आपकी फूड है वो हेल्दी फूड है, वो कंटामिनेटेड नहीं होती. नाउ नेक्स्ट इज दी कूलिंग. इन दी कूलिंग वी हैव लो टेम्परेचर. एज यू नो लो टेम्परेचर क्या करता है, जो माइक्रोब्स की ग्रोथ है उसको स्लो डाउन कर देता है. अल्टीमेटली दे ऑल किल्ड अप, वो सारे किल्ड हो जाते हैं और आपकी जो फूड है वो अगेन प्रिजर्व हो जाती है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पास्चुराइजेशन. बोलते दिस मेथड इज गिवन फर्स्टली बाय द साइंटिस्ट नेम एज लुईस पाश्चर. तो उन्हीं के नाम के साथ इस प्रोसेस का, इस मेथड का नाम डल गया पास्चुराइजेशन. व्हाट विल हैपन इन दिस मेथड, बोलते इसमें आप मिल्क को प्रिजर्व करते हो. तो इन दिस केस यू हैव टू टेक मिल्क एंड हीट अप दैट मिल्क अप टू द 70 डिग्री फॉर 15 टू 13 सेकंड्स के लिए. पहले आपने उसको हीटिंग प्रोवाइड करी, एट व्हाट टेम्परेचर, एट 70 डिग्री सेल्सियस तक, फॉर हाउ मेनी सेकंड्स, 15 to 30. बोलते उसके बाद यू हैव टू इमीडिएटली कूल दिस मिल्क. बोलते हुआ क्या एक्चुअली पास्चुराइजेशन में, पहले हीटिंग हुई देन कूलिंग. और हीटिंग और कूलिंग आप पहले ऊपर पढ़ चुके हो, वो क्या करते हैं, दे इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और दे किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो क्या होगा, आपका मिल्क प्रिजर्व हो जाएगा, फिर उसको पैक करके पैकेट्स में सील करके फॉर सेल भेज दिया जाता है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिजर्वेशन बाय केमिकल्स. देयर आर सम केमिकल्स विच आर यूज स्पेशली टू प्रिजर्व द फूड. तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव और केमिकल्स. नंबर वन इज द सोडियम बेंजोएट, सेकंड इज द सोडियम मेटाफॉस्फेट एंड थर्ड इज द सिट्रिक एसिड. दिस ऑल केमिकल्स आर यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ जेलीज, जैम्स, स्क्वैशेस एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. दे विल आस्क इन द एग्जामिनेशन नेम द केमिकल्स. नाउ लास्ट इज द प्रिजर्वेशन बाय एसिटिक एसिड और विनेगर एंड मस्टर्ड ऑयल. इन द प्रीवियस क्लास यू हैव डन व्हाट इज विनेगर. विनेगर इज द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड.
तो एज यू नो कि जो एसिटिक एसिड है उसको प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में भी यूज किया जाता है, एज वेल एज मस्टर्ड ऑयल इज ऑल्सो यूज इन द प्रिकल्स. प्रिकल्स में डालते हैं अचार में तो वो लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व हो जाता है. तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स टू प्रिजर्व द फूड. हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज द नाइट्रोजन साइकिल. बिफोर नाइट्रोजन साइकिल वी हैव डन नाइट्रोजन फिक्सेशन. व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? इन आवर एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैस अबाउट 78%. बट द प्लांट्स एंड एनिमल्स दे कांट यूज दिस नाइट्रोजन फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी. सो वी हैव नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? इट इज दैट प्रोसेस इन विच द कन्वर्जन ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द यूजफुल कंपाउंड्स. इट इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन. अब जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है वो किनकी हेल्प से होती है? माइक्रोब्स की हेल्प से, जिसमें आपका बैक्टीरिया इन्वॉल्व है विच इज प्रेजेंट इन द सॉइल इन द रूट नेड्यूल्स ऑफ सम लेग्यूमिनस प्लांट्स. आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी जो फिक्स करती है नाइट्रोजन को. एंड ऑल्सो लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म में जो लाइटनिंग होती है ड्यू टू दैट भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है. हाउ? बोलते जब लाइटनिंग टेक्स प्लेस होती है देन द टेम्परेचर राइज करेगा तो व्हाट विल हैपन? नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन. तो दिस इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाउ नेक्स्ट इज द व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल. इन नाइट्रोजन साइकिल जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है दैट इज कन्वर्टेड इनटू द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो वो सॉइल में चली जाएंगे कंपाउंड्स लाइक नाइट्रेट. बोलते क्या करता है सॉइल के अंदर जो प्रेजेंट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन प्लांट्स दे विल टेक दोज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड डू देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब जो प्लांट्स हैं उन्होंने अपना ग्रोथ का प्रोसेस टेक्स प्लेस कर लिया. हाउ? दे कन्वर्ट दी नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू प्लांट प्रोटीन्स. ओके जी, बोलते अब वो प्लांट प्रोटीन है दे आर ईटन अप बाय दी एनिमल्स. तो एनिमल्स में एनिमल्स प्रोटीन बन जाएंगे. अब उसके बाद क्या होगा? जो प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं दे डाई, वो मर गए. उसके बाद उनकी डिग्रेडेशन होगी बाय द हेल्प ऑफ डीकम्पोजर्स. तो दे अगेन मिक्स विद दी सॉइल और गो इन दी सॉइल जहाँ वो किसकी फॉर्म में पड़े हैं? नाइट्रेट्स की फॉर्म में पड़े हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में पड़े हैं. दे आर अगेन यूज बाय अनदर प्लांट. इन दिस वे दिस होल प्रोसेस इज रिपीटेड एंड रिपीटेड. अब एक है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. लास्ट में क्या होगा? जो आपके सॉइल में नाइट्रोजन के कंपाउंड्स पड़े हैं उनको डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? दे आर कन्वर्टेड दैट कंपाउंड इनटू अगेन द नाइट्रोजन गैस. तो जो नाइट्रोजन गैस है वो एटमॉस्फेयर में वापस चली जाती है. तो ऐसे ही नाइट्रोजन का जो साइकिल है दैट इज कॉन्टिन्यू. तो क्या हुआ इससे? बोलते इससे जो नाइट्रोजन का अमाउंट था इन द एटमॉस्फेयर दैट इज जो आपने बोला 78% दैट रिमेन्स द सेम बिकॉज नाइट्रोजन गैस इज सर्कुलेटेड अगेन एंड अगेन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. दिस इज ऑल अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल.